बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 6 अबाउट ज्योमेट्री एंड लेसन नंबर 3। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द एसएलओज अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। हमने देखना है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है और इनकी शेप्स कैसी होती हैं। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आ जाएं तो हर स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करना है क्लासरूम में कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। क्वाड्रिलेटरल मींस के फोर साइडेड जो शेप्स हैं उनसे रिलेटेड है। दरवाजा जो है उसकी शेप जो है किस ज्योमेट्रिकल शेप से रिजम्बल है। आपका जो बेंच है या जो आपका डेस्क है या टेबल है उसकी शेप जो है किस क्वाड्रिलेटरल से रिजम्बल है या किस ज्योमेट्रिकल शेप से रिजम्बल है। इसी तरह आपकी जो वॉल है उसकी शेप क्या है, या अगर आपके क्लासरूम में कंप्यूटर है तो उसकी शेप क्या है। आपने ये चीजें ऑब्जर्व करनी है कि उनकी फोर साइडेड शेप्स जो हैं वो कैसी हैं। देखें वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है या फिर स्क्वायर से। आपने इन सारी शेप्स को नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर और फिर अपने टीचर को दिखानी है, और उनके साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपने लिखने हैं। व्हाट डज अ क्वाड्रिलेटरल मीन, एक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है। एंड यू नेम सम क्वाड्रिलेटरल, कुछ क्वाड्रिलेटरल के नेम बता सकते हैं या नहीं। सो राइट इट ऑन योर नोटबुक्स। अब आ जाए आज के जो मेन टॉपिक्स हैं या टारगेट्स हैं जिनको हमने देखना है। Different types of quadrilaterals. Different types की quadrilaterals को देखेंगे कि क्या होती हैं। अब आ जाए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि quadrilateral होती क्या है। एक ऐसी geometrical shape होती है जिसकी four sides और four angles हो, तो उसको हम लोग quadrilateral कहते हैं। जैसा कि मेरे पास ये यहां पर देखें ये कार्डबोर्ड है, इसको देखते हैं तो इसकी कितनी साइड हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसकी फोर साइड हैं और ये जो एंगल्स हैं फोर कॉर्नर्स यहां पर, तो एजेस ये वाले जो हैं वर्टेक्सेस, तो इनको हम लोग एंगल कहते हैं। तो देयर आर फोर एंगल्स। सो इसी तरह जो जो भी क्वाड्रिलेटरल होगी उसकी फोर साइड होंगी और फोर एंगल्स होंगे। सो अब यहां पर देखें पैरेललोग्राम क्या है। Opposite sides are equal in parallelogram. उसकी शेप ये है, four sides, four angles. और main basic जो properties हैं, opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite angles are equal. Parallelogram में opposite angles जो हैं वो equal होते हैं, opposite sides equal होती हैं। इसी तरह square है, square में क्या है कि फोर साइड फोर एंगल्स हैं, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। सिमिलरली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी फोर साइड फोर एंगल्स हैं, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स एंड आर इक्वल एंड मेजर इन 90 डिग्री। सो सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। स्क्वेयर में भी सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। So, इसी तरह रंबस है, रंबस की सारी साइड्स इक्वल है एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब नेक्स्ट देखें ट्रेपोजाइड, ट्रेपीजियम कैसी होती है। टू पैरेलल साइड्स होती हैं, टू नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180। एडजेसेंट एंगल ये जो एंगल्स होते हैं, तो इन एंगल्स में ये 180 के इनका सम ले तो 180 के इक्वल होता है। अब आ जाए नेक्स्ट काइट, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखें एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है वो ये है, और ये फोर साइड्स होती हैं काइट में भी। अब आ जाए नेक्स्ट, एक वर्कशीट है, हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसको कंप्लीट करना है। करना क्या है,
कि आपने बताना है कि कौन सी शेप कहां पे है। सो राइट द नेम बिलो ईच क्वाड्रिलेटरल। रम्बस, रम्बस कहां पे है? यहां पर आ गई, ये ट्रॉपेजॉइड है, ये रम्बस है हमारे पास। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल, सारी ही क्वाड्रिलेटरल है। एंड रेक्टेंगल कौन सी है? यहां पर देखिए रेक्टेंगल कौन सी है, ये है। तो सिमिलरली पैरेललोग्राम कौन सी है, ये है। एंड देन इन सब के आपने नाम लिख देने हैं और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। अब आ जाए रैप अप की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड था। एंड देन हाउ मेनी साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कितनी साइड्स होती हैं एक क्वाड्रिलेटरल की, यू नीड टू टेल टू योर टीचर। अब आ जाए होमवर्क में। होमवर्क में आप लोगों ने ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और उसके साथ साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी क्या है? बिल्ड डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स यूजिंग कॉक एंड स्मॉल स्टिक्स। इनको, ये कॉक और स्मॉल स्टिक्स को यूज करते हुए आपने डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल बनानी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज़।